गरुड़ पुराण में एक श्लोक में है, अकारे रिंगे तैग्रित्या चेष्टया भाषितेन च नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम लक्षये तैग्रित्यं मना। अर्थात शरीर का आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और चेहरे की भाव भंगिमाओं से किसी भी व्यक्ति के मन की बातें समझी जा सकती हैं। गरुड़ पुराण में इसी श्लोक के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ झूठे लोगों की 7 निशानियाँ बताई गई हैं। पहली, शरीर के आकार से यहाँ मतलब है किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है या झूठ बोल रहा है तो उसके कंधे झुके हो सकते हैं। अगर वह कुर्सी पर बैठा है तो वह लगातार अपना पांव हिला रहा होगा या उसके हाथ कुछ कांप रहे होंगे, क्योंकि उसे अपने झूठ के पकड़े जाने का भय भी होगा। दूसरी, संकेत का अर्थ है कि व्यक्ति की शारीरिक आदतें, फिजिकल हैबिट्स, यानी कुछ लोगों की आदत होती है बात करते वक्त हाथ हिलाना या पैरों पर पैर रखना या कोई भी अन्य चीज़। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है तो उसके शरीर के इन सामान्य संकेतों में बदलाव देखा जा सकता है। तीसरी, हाथ पांव हिलाने जैसे संकेतों के अलावा झूठ बोलते वक्त कुछ लोगों की शारीरिक गति में भी बदलाव आता है। किसी काम को करने में हड़बड़ाहट या जल्दबाजी दिखाना या सुस्त हो जाना भी इस बात का संकेत हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। चौथी, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह सामने वाले से कुछ छुपाने की चेष्टा कर रहा होता है। ऐसे में शरीर में अचानक ही कुछ ऐसी हरकतें या बदलाव होने लगता है जो आम तौर पर नहीं होता। यह भी झूठ पकड़ने का एक संकेत है। पांचवी, अगर किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत नहीं है, वह हमेशा ऐसा नहीं करता, तो आप महसूस करेंगे झूठ बोलते वक्त उस व्यक्ति की वाणी में हिचकिचाहट होगी या फिर बोली में हड़बड़ाहट भी हो सकती है। छठी, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सामने वाले से नजरें चुराने की कोशिश करता है, उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं या फिर वह बात करते वक्त इधर उधर देखने लगता है। और सातवीं, व्यक्ति का चेहरा भी बात करते समय कई तरह के संकेत देता है, और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।